नमस्कार दोस्तों, आपसे एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। और यहाँ पर हम आज सिखा रहे हैं कि आप YouTube पर ब्रांड न्यू चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से जो है सेट करके रखा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको हम बता रहे हैं कैसे अपना न्यू अकाउंट जो है ब्रांड और पेटीएम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर आपको लॉग इन होने के लिए आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, जो नॉर्मली सब लोग अपने आप बना लेते हैं। अगर आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम या नहीं बनाने आ सकता तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, उसका भी हम आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। फिलहाल बात करते हैं कैसे जो यहाँ पर करेंगे। तो आपको सबसे पहले YouTube पर अपना जीमेल के थ्रू यहाँ पर लॉगिन करना है। जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपने जीमेल के साथ यहाँ पर और पासवर्ड के साथ यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको जो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा ना मिले, लेकिन ये जो है आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे अपने जो फ़ोटो पर तो यहाँ पर आपको ये ऐसे आ जाएगा। फिलहाल आपको जो है हम पूरा बताएंगे कि यहाँ पर फ़ोटो कैसे है, जो ये कवर कैसे है, प्रोफाइल कैसे बनना है, सारा आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। फिलहाल बात कर रहे हैं पहले क्रिएट जो है ब्रांड अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक देख सकते हैं क्रिएट स्टूडियो मॉडल में सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, यहीं पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो है एक ऐसे अकाउंट वाले पेज पर चले आते हैं, जहां आपको थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर करेंगे तो देख सकते हैं एडिशनल फीचर के नीचे में एक क्रिएट ए न्यू चैनल लिखा होता है। यहां पर आप क्लिक करके आप जितने चाहे उतने ब्रांड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल देखिए यहां पर आ गया है, यहां पर टू क्रिएट ए न्यू चैनल और क्रिएट ए ब्रांड अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको एक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर आप जो कुछ भी लिख कर और क्रिएट पर क्लिक कर आप बना सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हम क्रिएट स्टूडियो में जाते हैं और यहाँ पर आपको अपना चैनल का व्यू चैनल पर आ जाते हैं। तो व्यू चैनल पर आने के बाद यहाँ पर आपको जो कुछ इस तरह से आपका चैनल का होगा डिज़ाइन, जो कि ब्लैंक ही होगा। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड चैनल आर्ट पर क्लिक करके कुछ भी अगर आपके पास अगर कवर है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको एक गैलरी का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आ जाइए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे जो है गैलरी YouTube की तरफ से आपको दिए जाते हैं, जो आप चाहें यहाँ से आप जो इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी वाले को ले लेना है, किसी पर भी ले ले और उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अगर सेलेक्ट करके एडजस्ट तो हो ही गया है और सेलेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर सेविंग हो रहा है और देख सकते हैं थोड़े देर में ही देख सकते हैं यहाँ पर आ गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर अब जो है यहाँ पर आपको इस वाले को प्रोफाइल फ़ोटो को चेंज करना है। तो यहाँ पर हम फिर से देख सकते हैं प्रोफाइल फ़ोटो पर टाइप करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एडिट वाले पर टाइप करेंगे और हम चले जाएंगे अबाउट मी गूगल के पेज पे। तो देख सकते हैं हमारा ओपन हो रहा है, यहाँ पर आपको ऊपर में करेंगे तो देख सकते हैं अपलोड फ़ोटो है। यहाँ पर हम क्या करते हैं फ़ोटो को लेकर अपलोड कर देते हैं, किसी भी गैलरी को लेकर ले लेंगे, जैसा कि देख सकते हैं इमेज ले लेते हैं और यहाँ पर हम कोई भी जो है ओपन कर लेते हैं और इसे ही लेकर अपलोड कर दें। देख सकते हैं थोड़ा देर टाइम लग रहा है क्योंकि अपलोड होने में आपका डाटा खपत होता है और नेट भी यूज होता है, तो इसमें आपको थोड़ा मोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको डन कर देते हैं। अब जो है यहाँ पर आपका जो है ये सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर गो इट पर क्लिक करके अब जो हम अपना चैनल को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको बैक कर ले और इसको रिफ्लेश कर लेते हैं, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो गया। अब जो है आपको बताते हैं यहाँ पर करना क्या है। तो यहाँ पर कुछ सबसे पहले आपको करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिला है, यहाँ पर व्यू देख सकते सब्सक्राइब के बगल में आपको एक सेटिंग ऑप्शन मिलता है। इस सेटिंग वाले पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक कस्टमाइज द लेआउट ऑफ योर चैनल, यहाँ पर आपको इसको ऑन कर देना है, जिससे जो है आपका चैनल का जो है यहाँ पर आपको जो है जो भी है प्लेलिस्ट वीडियो अपलोड जो है बारी बारी से जो है वो ऑप्शन आपका मिल जाता है, ठीक है। इसको बैक कर लीजिए, व्यू चैनल को फिर से देख लेते हैं। ये होने के बाद जो है अब जो है आपको फिर से हम करके दिखा रहे हैं कस्टमाइज पर और इसे सेव। तो सेव करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा जो है देख सकते हैं प्रोफेशनल अकाउंट की तरह होम पेज पेज वीडियो एंड ब्रांड जो भी है वो आ गया।
ठीक है, यहाँ से चैनल तो बन गया। अब यहाँ पर आपको अबाउट में आना है, ठीक है। अबाउट में आने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन वाले पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए, ठीक है। लिखने के बाद आपको डन करना है, ठीक है, डन कर दीजिए। एंड यहाँ पर आप ईमेल आईडी भी लिख सकती है, अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन मिलता है ईमेल, यहाँ पर आपको वो सेट करना है क्योंकि बिजनेस इंक्वायरी के लिए यहाँ पर आपको देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन, वो आपको यहाँ पर लेना है। अगर आप इंडिया से हैं तो अच्छी बात है और हमें अच्छा लगेगा क्योंकि हम इंडिया वाले को बता रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिया लीजिए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर लिंक करना है। लिंक क्या करना है, आप अपना जो भी जो पर्सनल अकाउंट है, जैसा कि आप फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, जो भी यूज करते हैं आप सोशल नेटवर्क का, तो यहाँ पर ऐड क्लिक करके उसका टाइटल लिखना है और यूआर लिखकर यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो आप सेट कर लेते हैं तो अबाउट में जो है आपका एक प्रोफेशनल जो है दिखता है। उसके बाद आपको आ जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आप चाहे तो अच्छा खासा जो है न्यू प्लेलिस्ट बना सकते हैं, जैसा कि आप चाहे तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है ब्लॉग वीडियो लिख दीजिए, अगर आप ब्लॉग बनाते हैं, और क्रिएट कर दीजिए। उसके बाद जितने भी आप वीडियो ब्लॉग बनाएंगे उसको आपको ब्लॉग में सेव कर देना है, या फिर दूसरे का भी वीडियो आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आना है होम पेज पर। होम पेज पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अगर आप वीडियो डाल देते हैं तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप देखिए क्या करना है, सबसे पहले रिटर्न सब्सक्राइबर, अगर आपके पास कोई सब्सक्राइबर आ रहा है तो वो आपको रिटर्न, जैसे वीडियो देखकर आपके पास आया तो उसके लिए क्या यहाँ पर आप कौन सा वीडियो उन्हें दिखाना चाहेंगे उसको यहाँ पर आपको सेव करना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप किसी दूसरे का भी वीडियो का यूआरएल यहाँ पर जो है आप, तो यहाँ पर हम टेक्निकल गुरु जी को ही यहाँ पर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम टेक्निकल गुरु जी के जो वीडियो है उसी वीडियो को ही हम आपके सामने सेट करके दिखाएंगे, जैसा कि ये वीडियो है। तो इसी वीडियो को हमें क्या करना है, यहाँ पर इस वीडियो को शेयर वाले पर क्लिक करना है, लिंक को कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब इसी वीडियो को जो है हम लोग अपने वाले में लगाएंगे, देखिएगा कैसे, ठीक है। तो होम पेज पर आ जाएंगे, होम पेज पर आने के बाद देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर इस किस उसी वीडियो को यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं और इसको जो है यहाँ पर ऐड हेडलाइन दिस ऑप्शन है, यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं वेलकम टू, क्योंकि वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पर जो है इस वाले पर जो है सेव पर हम क्लिक करके सेव कर देंगे, देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर बाल सका को आपको सब्सक्राइब करना है और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको बेल लिखेगा उसको जो है यहाँ पर ऑल करके यहाँ पर कर देना है।